नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत के मुसलमानों के नाम पर तहमत फाड़ और टोपी उछाल अभियान चलाने वाले इस्लामिक देशों का दोगलापन कल सारी दुनिया ने देखा है। साथ ही उन मुसलमानों ने भी इनकी औकात देख ली है जो इन देशों के भरोसे अपने वतन से गद्दारी करने से नहीं चूकते हैं। कल संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीनी ड्रैगन की क्रूरता को नंगा करने की कोशिशें इन्हीं मुस्लिम देशों की वजह से नाकाम हो गई और वही मुसलमान एक तमाशा बनकर रह गए जिनके नाम पर ये इस्लामिक देश मुसलमानों का रहनुमा होने के दावे करते हैं। अमरीकी प्रस्ताव के समर्थन में 17 देश और इसके विरोध में 19 देशों ने वोट डाले हैं। कांटे की इस लड़ाई में 11 देश अनुपस्थित रहे हैं जिनमें हिंदुस्तान भी इनमें से एक है। हिंदुस्तान ने इसलिए चीन के खिलाफ वोट नहीं डाला कि आने वाले वक्त में ऐसे मुद्दे पर चीन भी उसके खिलाफ वोटिंग कर सकता था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत को ज्ञान देने वाला कतर और संयुक्त अरब अमीरात को चीन का जुल्म झेल रहे उइगर मुसलमानों की कोई चिंता नहीं हुई और ड्रैगन बड़ी आसानी से बचकर निकल गया। उइगर मुसलमानों पर चीनी अत्याचार पर आंखें मूंदने वाले ये वही मुस्लिम देश हैं जो अक्सर कश्मीर और भारतीय मुस्लिमों को लेकर जहरीले बयान देते हैं। अब इन इस्लामिक देशों के दो मुहापन की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल पाकिस्तान, यूएई और कतर जैसे देशों की चाल से जहां चीन को बड़ी जीत मिली है, वहीं पश्चिमी देशों को बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत में 10 लाख उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चीन की क्रूरता पर कई सवाल उठाए गए थे। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि चीन शिनजियांग में जबरन लोगों से काम करा रहा है और उनका बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहा है। तुर्की एकमात्र मुस्लिम देश है जिसने चीन के खिलाफ वोट दिया है, अन्यथा अधिकांश ने या तो चीन के पक्ष में वोट किया है या फिर इस वोटिंग से अनुपस्थित हो गए। तुर्की का उइगर मुसलमानों के साथ प्राचीन रिश्ता रहा है, यही वजह है कि वह अक्सर उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार पर आवाज उठाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते थे कि चीन के शिनजियांग में चल रहे दमन पर परिषद के अंदर बहस हो। यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से चीन को निशाना बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की इस प्रमुख संस्था में पहला प्रस्ताव था। इस मतदान में भारत के साथ यूक्रेन भी तटस्थ रहा है, जो यकीनन हैरान करने वाला है क्योंकि चीन यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन कर रहा है। अगर भारत और यूक्रेन प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर देते तो चीन इस मुद्दे पर बुरी तरह घिर सकता था। लेकिन जब मुस्लिमों का अगवा बनने वाले देश ही भड़वा बन गए तो भारत ने इन जाहिलों का ठेका नहीं लिया हुआ है। मजे की बात यह कि उइगर मुसलमानों पर जिन जाहिल देशों ने पीठ दिखाई है, वे अक्सर OIC जैसे फोड़ मंच से फुफकारते रहते हैं। पाकिस्तान तो कश्मीर और मुसलमानों की स्थिति पर आए दिन OIC में पहुंचता रहता है और भारत के खिलाफ दबाव डालकर बयान दिलवाता रहता है। उइगर मुसलमानों के साथ आज तक OIC भी नहीं आई है, जबकि चीन ने बेड़ा उठाया हुआ है कि वह देश को इस्लामिक मुक्त बनाएगा। वह अपने इस मिशन में काफी हद तक सफल भी हुआ है और वहां इस्लामिक आतंकवाद को बंदूकों से कुचल दिया गया है। चीन का मुसलमान आतंकियों के खिलाफ अभियान कई देशों को प्रेरित कर रहा है। वह जिस तरह उइगर मुसलमानों का इलाज कर रहा है, उसने दुनिया को शांति का एक नया संदेश दिया है। इसलिए इस मुद्दे पर भारत द्वारा चीन का समर्थन कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।